सिंध में नया बल्दियाती निज़ाम आ गया। कराची और हैदराबाद समेत 5 शहर मेट्रोपॉलिटन करार, बाकी सूबों में जिले कौंसिलें कायम होगी, कमिश्नरी निज़ाम भी चलता रहेगा। शर्जील मेमन कहते हैं नया निज़ाम देही और शहरी अवाम को करीब लाएगा। रजा हारून का कहना है पहली बार किसी जमहूरी हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ कराया। शहबाज शरीफ वापस वतन पहुंच गए, कहते हैं सदर को 4 साल के बाद बल्दियाती इंतखाबात याद आए, फैसला मुशावरत से करेंगे। शहर कराची में बारिश जहमत बन गई, शहराए फैसल पर कई घंटों ट्रैफिक जैम रहा, शहरियों ने रात सड़क पर गुजारी, मुल्क में आज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची पुलिस में हुदूद का तनाजा, लियाकताबाद सिंधी होटल के करीब नौजवान की लाश 3 घंटे सड़क पर पड़ी रही। बलूचिस्तान बदमनी केस की समाअत आज भी जारी रहेगी, सूबाई हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। भारतीय वजीर खारजा एस एम कृष्णा 3 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे, कहते हैं कोई खास नतीजा बरामद होने की उम्मीद नहीं। अवाम को मुजरे सेहत गोश्त खिलाने की तैयारी, ऑस्ट्रेलिया की 22,000 बीमार भेड़े कराची पहुंचा दी गई। मुल्तान में जगह जगह गंदगी के ढेर, डेंगू और मोहलिक बीमारियों के खिलाफ मुहिम ऐलानात से आगे ना बढ़ सकी। अमरीकी सदर ओबामा दूसरी बार सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार, उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी कबूल कर ली। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के दूसरे मैच में आज मद्दे मुकाबिल होंगे। और न्यूयॉर्क फैशन वीक शुरू, पहले रोज ड्रेसेस की थीम पर तैयार करदा मलबूसात की नुमाइश।